अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो जामिया हमदर्द के बारे में और जामिया हमदर्द के एक और बहुत ही फेमस कोर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे बी फार्मा के बारे में दोस्तों। बहुत ही फेमस कोर्स है ये, बहुत सारे बच्चे इस कोर्स में जाते हैं और जामिया इस कोर्स को लेकर 2021 में NIRF में नंबर वन रैंकिंग इसकी आई थी प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं उसके अंदर। तो अगर आप सोच रहे हैं बी फार्मा करने की किसी प्राइवेट कॉलेज से, देन जामिया हमदर्द आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी आप लोग भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के अपडेट्स पहुँचें आप तक। बहुत सारे कोर्स आपको बताऊँगा, आपको अपडेट करूँगा ताकि आप एक अच्छा फैसला कर पाएँ, आपकी लाइफ में अच्छा कोर्स चुन पाएँ आप, जो कि बहुत ज़रूरी है एक बेहतर लाइफ के लिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बी फार्मा बैचलर इन मतलब फार्मेसी। दोस्तों सीट्स हैं टोटल जामिया हमदर्द में 120, जहां पर 60 है जनरल और 60 हैं SFS मतलब सेल्फ फाइनेंस। इसकी फीस अलग है, बाकी सारा सेम है। इसके अंदर दोस्तों सारी NRI स्पॉन्सर्ड सब सीट शामिल हैं, बस जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनकी सीट इसमें अलग हैं। तो 4 साल का ये बैचलर कोर्स है जहाँ पर आप दवाएं बनाना सीखेंगे दोस्तों। ये नॉर्मल फार्मेसी है, मतलब जो एक मतलब यूनानी फार्मेसी होती है वाली नहीं है। तो 4 साल में आप यहाँ पर पढ़ाई आप करेंगे और दवाओं के बारे में आपको सिखाया जाएगा दोस्तों। उसके बाद कौन कौन ये कोर्स कर सकता है दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने क्लास 12 कर लिया है PCB और M दोनों बच्चे इसमें अप्लाई इसमें कर सकते हैं। 50% मार्क्स उनके होना चाहिए और एक टोटल है। उसके अलावा PCB और M इन जो तीन आपके जो सब्जेक्ट होंगे इसमें भी 50% मार्क्स होना मैंडेटरी है। तो 2 क्राइटेरिया हैं, एक टोटल और दूसरा PCB और M, इनमें भी 50% और टोटल भी। दोस्तों 17 ईयर्स आपकी एज होना चाहिए, ये इसमें है रिक्वायरमेंट। दोस्तों कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा दोस्तों, इसमें जो आपका सिलेक्शन होने वाला बी फार्मा में वो नीट से होगा और JEE मेन को जो फर्स्ट पेपर होता है उससे होगा दोस्तों। उसकी मेरिट के हिसाब से यहाँ पर आपको इसमें एडमिशन दिया जाएगा, लेकिन नॉन नीट वाले और नॉन JEE वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई इसमें कर सकते हैं, उनको भी मौका है। और उनको मौका कम मिलेगा जब उनके पास नीट और JEE वाले बच्चे नहीं होंगे। अगर सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तो फिर नॉन नीट वाले और नॉन JEE वाले बच्चों को भी इसमें मौका दिया जाएगा और एडमिशन होगा क्लास 12 की मतलब मेरिट के बेस पर, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही गलत बात है। इस दौर के अंदर मेरिट पे एडमिशन नहीं होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए ताकि सबको मौका मिल पाए। दोस्तों यहाँ पर एक बात और है, जिन कैंडिडेट्स ने 12th में मैथ और बायो दोनों पढ़ी है उनको अलग अलग अप्लाई करना है, एक ही फॉर्म में वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस बात का ख्याल रखें दोस्तों आप। और ये डिपेंड करेगा कैंडिडेट दोस्तों कैसे होगा सिलेक्शन, ये डिपेंड करेगा कि उनको जितनी भी जो कैटेगरी हैं नीट JEE वाले वो कैसे। और यहाँ पर ऐसी कुछ बात नहीं है कि बायो वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा या नॉन बायो वाले को दिया जाएगा मतलब मैथ वाले को, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि नीट वालों को पहला मतलब प्रेफरेंस है, उसके बाद नॉन नीट वालों को बाद में प्रेफर किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद सबसे अहम पार्ट, कितनी फीस आपको यहाँ पे करना होगी दोस्तों। फीस है इसकी जो आपके जनरल है 1,35,000। तो 4 साल में आप लगा लें, 4 साल में आपको जो फीस लगेगी वो लगने वाली है 5,40,000 रुपीज़। और पहले साल के अंदर आपको लगभग 20,000 रुपये आपको एडिशनल पे करना होंगे, जहाँ पर 5,000 रुपीज़ हैं वो रिफंडेबल हैं, आपको रिफंड हो जाएंगे दोस्तों। ये हुई टोटल फीस। अब बात करेंगे हॉस्टल दोस्तों। हॉस्टल अगर आपको हमदर्द में लेना है, अगर आपको नॉन एसी रूम चाहिए तो कम से कम आपको 60-70,000 रुपये एक साल के देना होंगे, इससे कम कोई भी नहीं है। बस नर्सिंग वाला है जहाँ पर आपको 55,000 पे करना है एक साल के लिए, जो भी पूरा आपका सीज़न होगा। उसके अलावा 70,000 रुपीज़ आपको पे करना होगा। और अगर आप बॉय हैं तो 25,000 रुपीज़ खाने का जाएगा आपका, और आपको 4,000 के अराउंड जो है वो आपका लॉन्ड्री का चार्ज आएगा। तो ऑलमोस्ट 95,000 to 1,00,000 रुपीज़ आपको पे करना होगा हॉस्टल का। उसके अलावा जो आपका एडिशनल खर्चा है वो आपका अलग होगा। तो आप 4 साल में यहाँ पर लगभग आपको 4.25 लाख मतलब 3,80,000 रुपये लगभग आपको यहाँ पर खर्च करना होंगे हॉस्टल के लिए, और लगभग 5,60,000 रुपये ये आपको पे करना होगा फीस। तो टोटल आपको ये कोर्स पढ़ने वाला है ऑलमोस्ट
लगभग 10 लाख रुपए में, ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए आप जोड़ लीजिए 560 और लगभग 4 लाख, तो 9,60,000 रुपये हो गए हैं। और उसके अलावा पॉकेट मनी आपका अलग है, वो और एडिशनल है। दोस्तों ये था जनरल। अगर आप सेल्फ फाइनेंस मोड में जाना चाहेंगे, सेल्फ फाइनेंस मोड के अंदर जो फीस है वो 2,10,000 रुपए है एक साल की, तो 4 साल में आपको पे करना होगा 8,40,000 रुपीज प्लस ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए हॉस्टल और खाना प्लस आपकी पॉकेट मनी। तो आप सोच रहे ये कम से कम आपको पड़ने वाला है लगभग 14 लाख रुपए में। वो अगर आप और खर्चा करें इसके अलावा आने जाने का, तो 3,000 भी आप महीना मान लें तो आप 4 साल का जोड़ लें, लगभग 1.5 लाख तो कम से कम मान लें, तो लगभग आपको 8, लगभग 8.5, 4, 12.5 और लगभग 2 लाख रुपए आप कम से कम और मान लें, तो बिल्कुल कम से कम बता रहा हूँ 4 साल के अंदर। दोस्तों ये लगभग 14, 14.5 लाख का कोर्स पड़ेगा आपको। तो अगर आपको नॉन नीट बिना टेस्ट के आपको लेना है, लेकिन ध्यान रहे हो गए जबी आपका एडमिशन जब नॉन नीट और नॉन जेई वाले कैंडिडेट या जो जेई वाले और आपके नीट वाले कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, उसके बाद ही इनको मौका यहाँ मिलेगा। दोस्तों ये था जामिया हमदर्द से बी फार्मा कोर्स, काफ़ी फेमस कोर्स है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक भी करें, आप सब्सक्राइब कर लें। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।